तब सीधे आपको लिए चले, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। ये पहली बार आपसे इस साल में नए साल में ये भेंट हो रही है, इसीलिए नए साल की मुबारकबाद भी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और आपको देता हूं। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों, देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मई महीने से मणिपुर में, जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं, हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे। आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना, फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहाँ लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहाँ
उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बातें हैं, मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है। देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं, ये यात्रा, जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैशन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैशन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीज़ें राहुल जी के यात्रा में होंगे, जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है, पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है भाई, कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड, यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे हूँ, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं, हालांकि दोनों जोड़ के ही हैं। तो क्या नफरत है मालूम है हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की, और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं,
और जो एनजीओस हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसान हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, दलित हैं और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं एक एक पॉइंट पे। हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। और ये जो है हमने शुरू किया है, एक बहुत अच्छी बात है और आपका भी कोऑपरेशन ज़रूरी है। आपके बगैर तो आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जो सपोर्ट है, ऑक्सीजन है, वो देते रहेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। और संविधान ठीक है तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी गीवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा, नहीं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। फिर बाद में सिर्फ मुंह बंद करके सिर्फ लिखना पड़ेगा, वो भी फिर बाद में हाथ भी आपको बंद करवाएंगे, पेन भी। तो ये मेरे सबके लिए एक ये है, तो आप इस पर ध्यान लीजिए। और जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पास किया 3, आज वकील भी परेशान है, दूसरों का तो छोड़िए, उधर वकील खुद परेशान है कैसा प्रोनाउंस करें, क्या क्या करें, एकदम इसको कैसा पटरी पे लाए, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन और एक, इसके पहले तो किसानों के बिल लाए फिर वापस लिए, और लेबर्स का हाल पूछो मत। मैं अच्छा जानता हूँ कि लेबर के लिए तो इस सरकार में कोई जगह नहीं है, प्रोविडेंट फंड कोई पुराने लोगों के नाम से वो एनरोलमेंट कराते हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट हमने दिया है, ESI की वही हालत है। और जो पहले कानून थे, रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ बोनस, उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। जो जो आज़ादी के पहले बने हुए कानून लेबर के थे वो भी निकाल लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ए तो वाइसराय इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर थे लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने बनाए सो कानून भी अब इन्होंने निकाल दिया, आज़ादी के बाद जो आए थे वो भी निकाल दिया। तो आखिर में क्या हमारे एम्प्लॉयज को बॉन्डेड लेबर करना चाहते हैं? और इन लेबर, चाहे वो कोई भी हो, आप हो कोई भी हो, इतना डरा के रखने के लिए और मालिक के कंट्रोल में रखने के लिए अगर ये चीज़ होती है, ये इससे बुरा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे जो चीज़ें हैं, लेबर लॉज, किसान का मुद्दा, अब क्रिमिनल लॉज, ये सारी चीज़ें ला रहे हैं कि एक डिक्टेटर की निशानी है। मैं यही भाषा में बोल सकता हूँ, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड हमारे जयराम बोलते हैं, क्योंकि मेरे उनको जरा डिफरेंस है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, उन्होंने जरा मेट्रो में फिरने की आदत है, मेरे को एक्सप्रेस में ये पैसेंजर में जाने की आदत है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी उन्होंने जारी किया और साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं।